नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमारे एपिसोड चल रहे हैं कंटिन्यूसली यूट्यूब के ऊपर, ये सारे के सारे एस्ट्रोलॉजिकल एपिसोड्स हैं जो लोग लर्न करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि हमें नॉलेज मिले। तो आज बात हो रही है कुंडली के ऊपर, ये जन्म कुंडली है। आप बेशक अपना चार्ट उठाकर खोलकर उसे देख सकते हैं। ये दूसरा बॉक्स है, दूसरा भाव है जिसे बॉक्स बोलते हैं। यह है धन का भाव। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसी कुंडलियां आती हैं, ऐसे लोग आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो बोलते हैं कि रमन जी, हमारा जन्म तो गरीबी में हुआ है या एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, तो क्या हम लाइफ में बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? क्या हमारे पास गाड़ी, बंगले, मकान, दुकान, ये सारी चीजें, फंड्स, सेविंग्स, ये होंगी या नहीं होंगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें इस बॉक्स के ऊपर निर्धारित है। ये बॉक्स है क्या, इसे बोला जाता है धन का भाव, धन का बॉक्स। इससे पता लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है या कहना चाह रहा है, इसके सवालों के आंसर जवाब हैं या नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स है जो आपको आपकी रियलिटी बता देगा कि आपके पास पैसा आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, कौन सी महादशाएं लगेंगी, कौन सी अंतरदशाएं लगेंगी जिस की वजह से आपके पास धन इकट्ठा हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं चतुर्थ भाव, जिसे बोलते हैं फोर्थ बॉक्स। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। पैसा तो आपने यहां से पता लग गया, लेकिन लग्जरी लाइफ जो है, लग्जरी लाइफ भी तो तभी होगी ना जब आपके पास पैसा होगा। ऐसे तो नहीं है कि आपकी लग्जरी लाइफ है, आपके पास पैसा ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। इस भाव से पता लगता है कि आपके पास वाहन होगा, स्कूटर, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, फैक्ट्रीज होंगे या नहीं होंगे। अब बोलते हैं पैसा आ गया है, लेकिन पैसे के साथ सुख भी तो होना चाहिए ना। ये ना हो कि वो पैसा अपने साथ दुखों का अंबार लेके आ जाए। तो अगर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इससे भी धन का पता लगता है, इससे भी पता लगता है कि आप समृद्ध हैं या नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, यह है हमारा नाइन्थ हाउस, जिसे नवम भाव बोलते हैं। ये खाना नंबर 9 है, जिसे नाइन्थ बॉक्स बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पता चल जाता है कि जब महादशाएं चेंज होगी, अंतरदशाएं चेंज होंगी, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। पैसा, मैंने, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो बोलते हैं, रमन जी, हमारे पास 2-3 साल बहुत पैसा रहा, लेकिन हमने सेविंग ही नहीं करी, हमने उसको बचाया ही नहीं है, जब कुछ ऐसे हालात थे, पैसा आता गया, वो सारे इधर उधर चलता गया। जिसे बोलते हैं स्थिर पैसा, वो पैसा जो आपके अंदर हौसला पैदा करता है, जो आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट बॉक्स है। अब अगर आप इसे उठाकर खोल के देखते हैं, तो देखना होता है कि लग्न का ये मित्र है या नहीं है, या लग्नेश कई बार लॉर्ड इसी बॉक्स में जैसे आकर बैठ जाते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, जो भी ग्रह हैं, तो वो बता देते हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है आपकी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जिनके आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली से ही मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन के अंदर ऐसे हजारों सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं, आपको कहीं से आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो ज्योतिष इन सब सवालों के जवाब देने में सक्षम है। तो बगैर देर करे हुए, अगर आप कोई भी किसी प्रकार की अपनी होरोस्कोप जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। कहीं दूर बैठे हैं, आपका आना मुश्किल है, तो टेलीफोनिकली आप उस अपॉइंटमेंट को बुक करके उस समय आप अपनी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमारा एक बोलते हैं कि अगर आप देखेंगे ही नहीं इस चीज को, तो हमें, हमारे अंदर भी उस हौसले की कमी होगी। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े।
तो दोस्तों ऐसी ढेरों जानकारियां डे बाय डे आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे मैं लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपको चीज बताऊंगा वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा और अपने एक्सपीरियंस से। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।